हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें आज जो अपन टॉपिक देखेंगे वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, और दूसरा टॉपिक अपन देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ के गुण। ठीक है, लास्ट लेसन में अपन ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की बात की थी। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करने की कोशिश की थी कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए है। तो उन्हें थोड़ी सी सफलता वहां पर मिली थी। अब उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए थे, दो तीन साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए ही है। ठीक है, सो उस आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, और सेकेंड टॉपिक में आज के सेशन में जो सेकेंड टॉपिक में देखेंगे अपन आनुवांशिक पदार्थ के गुण, डीएनए वर्सेस आरएनए, दोनों जो आनुवांशिक पदार्थ है इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा स्थाई मॉलिक्यूल होता है, और इनकी थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं उसे नोट करते चलिएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फर्ड हर्शे वे मार्था चेस के प्रयोगों से प्राप्त हुआ, और कब हुआ, 1952 में हुआ। ठीक है, अल्फर्ड हर्शे वे मार्था चेस जो दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के प्रयोग से पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ जो है कौन है, डीएनए है। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु का भोजन करने वाले, जीवाणु भोजी, और इंग्लिश में से अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अपन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया पर जो निर्भर करने वाले जो जीवाणु, सॉरी विषाणु है, उसे अपन बोलते हैं जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी जीवाणु चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। ठीक है, तो मान लो इस प्रकार का क्या है अपने पास, क्या है, जीवाणु है जिसे अपन बोलते हैं बैक्टीरिया, और इस पर जो वायरस है, जो विषाणु है, वो क्या करेगा, चिपकेगा। मान लो ये अपने पास क्या है, विषाणु है इस प्रकार का, तो जब चिपकेगा तो विषाणु का भी कोई ना कोई क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा, जीवाणु का भी क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो जीवाणु अपने सॉरी विषाणु अपने आनुवांशिक पदार्थ को किस में डाल देते हैं, जीवाणु में डाल देते हैं। अभी एनसीईआरटी का डायग्राम अपन देखेंगे। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझ लेता है, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश हो चुका, तो ये क्या करेगा, जीवाणु इस विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लग जाएगा, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है, और जीवाणु में क्या होगा, बहुत अधिक संख्या में क्या होगा, विषाणुओं का निर्माण होगा। तो हर्षे व चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि जो प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से जीवाणु में परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो है एक्चुअल में वो क्या है, क्या वो डीएनए है, क्या वो प्रोटीन है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस, ठीक है, रेडियो एक्टिव जिसे अपन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को पी लिख देते हैं अपन, और दूसरा है अपने पास विकिरण सक्रिय सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर इसे बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों साइंटिस्ट ने, कि कुछ जो कुछ विषाणु थे, ठीक है, को ऐसे माध्यम पर पैदा किया, मतलब मान लो ये अपने पास कोई संवर्धन माध्यम है, ये प्लेट है, तो एक में जो विषाणु थे उनके उसका जो संवर्धन माध्यम था उसमें क्या था, फॉस्फोरस था, दूसरे में जो माध्यम था वो अपने पास सल्फर था, और उस पर क्या करवाई, विषाणुओं की वृद्धि करवाई। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। ठीक है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फर होता, प्रोटीन नहीं होता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, क्या बोल रहा है ये, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस वाले पर जिस विषाणु, मान लो ये रेड कलर में विषाणु है, तो ये रेड कलर में जो विषाणु है, इस जब फॉस्फोरस वाले माध्यम पर अपन ने क्या किया, इसकी ग्रोथ करवाई, तो इसके जो इस जो विषाणु की जो अपन बात कर रहे हैं, उस विषाणु के आनुवांशिक जो पदार्थ था, ठीक है,
उसमें जो है विकिरण सक्रिय डीएनए था, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए में अपन ने बात की थी कि जो एकलक इकाइयां होती है, या तो वो क्षार होता है नाइट्रोजन क्षारक, या वो अपने पास होता है शर्करा, या अपने पास अपन ने सबसे लास्ट में बोला था क्या होता है, अपने पास फोस्फेट ग्रुप होता है, और फोस्फेट में क्या होता है, फोस्फोरस होता है, PO4-3 होता है फोस्फोरस फोस्फेट में, तो ये जो है फोस्फोरस यहाँ पर मिलेगा। तो अगर विकिरण सक्रिय जो अपने पास फॉस्फोरस पर अपन ने जब ग्रोथ करवाई, तो डीएनए के संश्लेषण में क्या होगा, ये फॉस्फोरस विकिरण सक्रिय वाला आएगा, और वो आएगा तो वो आगे चलकर फॉस्फेट का जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर आएगा। तो जो फॉस्फोरस वाले में यही कहना चाह रहा है कि उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। ठीक है, प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो अम्लों से बनता है, और अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, बायोमोलिक्यूल में बता रखा है आपको। और इन अमीनो अम्ल में कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें सिस्टीन, ये बता रखा है जीव अणु में आपको, या मेथियोनीन की अपन बात करते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे अमीनो अम्ल है जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। सल्फर है तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण यहाँ से करेंगे, अमीनो अम्ल तो क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो जो फॉस्फोरस वाला था वो प्रोटीन में निर्माण में इन्वॉल्व नहीं होता, वो किसके अंदर आता है, फॉस्फोरस आता है अपना जो न्यूक्लिक अम्ल है या डीएनए या आरएनए के निर्माण में। जबकि अगर सल्फर की अपन बात करें तो सल्फर वाला अमीन जो डीएनए आरएनए के निर्माण में नहीं आएगा, वो किसमें आएगा, प्रोटीन के निर्माण में काम में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो यही इतने इंपॉर्टेंट डिस्टर्बमेंट लिखा है। ठीक, इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर, अब सल्फर वाले में अगर अपन डालेंगे तो क्या होगा इसका, जैसे सपोज हो जाएगा कि उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में डायग्राम देखेंगे। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। अब अपन ने क्या कर लिया, मान लो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया वायरस या विषाणु जिसे अपन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, विकिरण सक्रिय अपने पास क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, और मान लो ये मेरे पास क्या है, बैक्टीरिया है, जिसे मैं अलग कलर से बता देता हूँ, ये जो ब्लैक कलर में है, मान लो ये मेरे पास है बैक्टीरिया इस प्रकार का, जिसे अपन बोलते हैं जीवाणु। जब ये इसके साथ चिपकेगा, ठीक है, अब आगे देखो, ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाता है, ये अपने पास जो बैक्टीरिया था ई कोलाई है, एस्चेरिया कोलाई से, जब इसके साथ चिपकेगा तो जैसे ही संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रित में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। तो मान लो इसके साथ चिपक गया, चिपकने के बाद में, चिपकने वाले स्टेज में आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से चिपकता है। मान लो ये इस प्रकार से जो विषाणु था, वायरस था, वो इसके साथ चिपक गया, और इसमें ये फॉस्फोरस हो रहा था। तो चिपकने के बाद में जब अपन इसे हिलाते हैं सम्मिश्रक में, ठीक है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे सम्मिश्रक अपन बोलते हैं, उसमें अगर अपन हिलाते हैं तो इसका जो आवरण है, इसकी जो कवरिंग है, वो तो क्या हो जाती है, अलग यहां से हो जाती है, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ था कौन सा, फॉस्फोरस वाला, वो क्या होगा, बैक्टीरिया में चला जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु को अपकेंद्रण में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। ठीक है, अब जब इस बैक्टीरिया में खुद का संश्लेषण होगा डीएनए वगैरह का, या इसकी प्रतिकॉपीज यहाँ पर बनेगी, तो इन बैक्टीरियाज में क्या होगा, विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस होगा, वही यहाँ पर लिखा है। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, जो जीवाणु उन विषाणु से संक्रमित थे उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणुओं से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया डिटेल से, तो ये आपको आना चाहिए। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। डायग्राम देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हर्षद चेल्स का प्रयोग है। ये जीवाणु भोजी है, बैक्टीरिया है, ये आपको सेकंड चैप्टर में भी बता रखा है, 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा, जीवाणु भोजी ये अपने पास। ठीक है, ये अपने पास क्या, जीवाणु भोजी जो अपने पास बता रखा है डायग्राम आपको मिलेगा। अब इसके अंदर विकिरण सक्रिय, ये आपको ध्यान में रखना, सल्फर 35 लिखा, से अंकित प्रोटीन विकिरण सक्रिय, सल्फर है मतलब ये प्रोटीन की बात कर रहा है, फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप से आपको ध्यान में रखना है, वो डीएनए की यहाँ पर बात कर रहा है, P32 यहाँ से अपने को ध्यान में रखना है, वहां पर 35 ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर संक्रमण करवाया जा रहा है, ये वाला जो है अपने पास क्या है, ये वाला अपने पास है जीवाणु बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं दोनों केस में। ठीक है, संक्रमण यहाँ पर हुआ, ये अटैच हो गया इसके साथ में, जो जीवाणु भोजी है वो अटैच हो गया इसके साथ में, संक्रमण हो गया,
उसके बाद में अनावरण यहाँ पर हुआ है, तो जो जेनेटिक मटेरियल था इसमें ये ब्लैक कलर में देखो, यहाँ पर ये ब्लैक कलर में दिख रहा है यहाँ से अपने को, इस जीवाणु के अंदर यहाँ पर आ गया। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ वो किसमें है, वो रेड कलर में, तो वो रेड कलर वाला है इसके अंदर आ गया। ठीक है, जब इसे अलग अलग किया गया तो कोशिकाओं में विकिरण S35 का पता नहीं लगा, अंदर वाले मटेरियल में पता नहीं लगा, विकिरण S35 का पता लगा। ठीक है, वो किसमें मिला, जो इसकी प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये वाला जो है ना, ये प्रोटीन की कवरिंग है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर ये बार वाले बताई जा रही है ना षटकोणीय, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, आपको सेकंड चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पर 11th क्लास का सेकंड चैप्टर में। तो ये जो प्रोटीन वाला था इसमें सल्फर मिल जाएगा, जबकि अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि इसके केस में क्या था कि अनुवांशिक जो पदार्थ अंदर बताया जा रहा है उसमें अपने वो फॉस्फोरस मिल जाएगा कोशिका के अंदर, जबकि जो बाहर वाला है उसके अंदर फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कवरिंग है और कवरिंग में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन किससे बन रहा है यहाँ पर, सल्फर से बन रहा है। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए इतना सा। ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अनुवांशिक पदार्थ के गुण, DNA बनाम RNA, जो दोनों अनुवांशिक पदार्थ होते हैं लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखेंगे, कौन स्थाई है कौन सा नहीं है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, कुछ यहाँ पर इसका जो गुण बताए जा रहे हैं या जो कंपैरिजन यहाँ पर बताया जा रहा है वो कंपैरिजन आपको इवोल्यूशन या उद्विकास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी बता रखा थोड़ा सा पैराग्राफ में, तो वहां पर भी अपन इसे देखेंगे, तो आप अच्छे से देखिएगा इसे। पिछली चर्चाओं से ये स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वे अब स्पष्ट रूप से हर्षे व चेज के प्रयोग से सुलझ चुका है। ठीक है, हर्षे और चेज ने बता दिया कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब यह सर्वमान्य हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणु वायरस की बात करें में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, और आरएनए वाले जो आनुवांशिक पदार्थ रखने वाले जो विषाणु उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, TMV टोबेको मोजेक वायरस, तंबाकू का जो मोजेक वायरस है वो शॉर्ट भी आपको ध्यान में रखना है, या क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, या तो TMV ध्यान में रखना या क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनमें क्या होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे क्यों डीएनए प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत में अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है, अभी अनुकूलन क्या है आपको जल्द ही पता चल जाएगा एक दो लेसन के बाद में। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए, तो ये जब स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी तब मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके जो एकलक संरचना होती है मेन डिफरेंस उसी में होता है, और उसी की वजह से क्या होता है जो बहुलक बनता है उसमें थोड़ी सी संरचना में परिवर्तन आता है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बता रखा है और दूसरा बायोमोलिक्यूल में और डिटेल से बता रखा है, और ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा इन क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने नीचे यहाँ पर दिया है। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच में दो रासायनिक अंतर को बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, एक तो शर्करा की अपन बात करें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आती है, दूसरा नाइट्रोजन अक्षारक की बात करें आरएनए में क्या आता है यूरेसिल आता है, और डीएनए में क्या आता है थाइमिन आता है। ये लो साहब हो गए साहब, दो डिफरेंस हो गए, और भी होते हैं तो ये दो डिफरेंस पूछे इन्होंने बता दिए अपन। एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूरा करता है, तो चार मानदंड अपने को दे रखे। सबसे पहला क्या रहेगा, वह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, प्रतिकृति रेप्लिकेशन मतलब अपने समान जो कॉपीज हैं, जैसे ये मान लो ये डीएनए है तो डीएनए से वापस अगर डीएनए बन रहा है, आरएनए से वापस आरएनए बन रहा है, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं प्रतिकृति। ठीक है, कॉपी जो बन रहा है तो वो ऐसा पदार्थ जो अपनी प्रतिकृति करने में सक्षम होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। यहां से पूछा भी जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार उस सेगमेंट। ठीक, क्या लिखा, इसे संरचना में रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, संरचना स्टेबल होनी चाहिए। मान लो डीएनए है, अपने पैतृक जो है उसमें जो डीएनए प्रकार का डीएनए का जो प्रकार है वो अपने अंदर आएगा, अपने से अपनी जो प्रोजेनी है उसमें जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक पीढ़ी में परिवर्तन हो रहा है, हर एक पीढ़ी में परिवर्तन हुआ तो ये जो दुनिया है वो हर एक कुछ सेकंडों में कुछ चंद पलों में यहाँ से बदल जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करें या जो रासायनिक संगठन है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये लिखा है, इनमें धीमे परिवर्तन जैसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये स्थायी होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एज इट इज ही रह जाएगा, वो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन वो जो परिवर्तन है वो क्या होंगे, स्लो होंगे, धीमे होंगे, काफी साल लगेंगे, हजारों लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं, और उसे ही बोलते हैं उत्परिवर्तन। जो भी विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है, उत्परिवर्तन है।
ऐसा भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये लिखा है, इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल के जितने भी लक्षण बताए गए थे, जो उन्होंने रिजल्ट दिए थे, उसके अनुरूप अभिव्यक्त होना जरूरी है। तो ये जो चारों पॉइंट है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। अब ये जो चार पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, इन्हें डिटेल से ये एक्सप्लेन कर रहा है। पहले मैं स्वयं प्रतिकृति की बात कर रहा था, ये डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूरा करने में असफल होता। तो अपन बोल रहे कि साहब कि जो प्रोटीन जो है वो अनुवांशिक पदार्थ क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, प्रतिकृतिकरण जो है वो नहीं कर सकता, अपने समान जो प्रोटीन है वो नहीं बना सकता। दूसरा बोल रहा है अनुवांशिक पदार्थ स्थायित्व की जो अपन ने बात की थी, स्थिर होना चाहिए। अनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शरीर क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं कम ताप से उच्च ताप में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं अनुवांशिक जो पदार्थ है वो चेंज हो गया। यहाँ पर मान लो मैं बचपन में जो मेरा अनुवांशिक पदार्थ है वो बुढ़ापे में चेंज हो रहा, तो भी वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा। अनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है कि ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं होती। ग्रिफिथ ने बताया था एस और आर वाला जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था, चिकना और जो इस रफ की जो अपन ने बात कर दी, खुरदरे की बात करते, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था, तो उसने क्या किया था, तीन केस लिए थे। और थर्ड केस में अपन ने बोला कि जो स्मूथ वाला था जिसके चारों तरफ श्लेष्मक आवरण होता है, उससे अपन ने ताप से मृत कर दिया था, लेकिन फिर भी जब एस और आर का अपन ने मिक्सचर लिया था, तब जो चूहा था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। मतलब जो ताप से मृत था अपने पास जीवाणु, वो तो मृत हो गया था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसका जो आनुवांशिक पदार्थ था वो कहीं ना कहीं बचा हुआ था, जिसने आर में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, ये अपन ने देखा। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार से स्थायित्व के बारे में जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में ये बता रहा है। डीएनए के परिप्रेक्ष्य से इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जक एक दूसरे के पूरक है। तो डीएनए में स्ट्रक्चर देखी थी, क्षार युग्मन होता है, ठीक है, फॉस्फेट या शर्करा जो बैकबोन बनाता है, ए टी के साथ में जुड़ता है, सी जी के साथ में जुड़ता है, तो ये क्या है, युग्मन है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाता है। अगर गर्म आप इसे करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वापस जब ठंडा करोगे तो वापस से एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2' हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है, ये जो क्रियाशील समूह है जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। ठीक है, आरएनए में अपन ने क्या बात कर दी कि जो शर्करा वगैरह की अगर अपन बात करते हैं इस प्रकार से, तो जो सेकंड नंबर वाला कार्बन था उस पर हाइड्रोक्सिल होता है, ये स्ट्रक्चर में भी मैंने बता रखा है, जे वर्ण में भी बताया था और इस चैप्टर में भी बताया था। तो जो 2' हाइड्रोक्सिल समूह है, इसकी वजह से जो आरएनए क्या होता है, अतिरिक्त सक्रिय होता है, और सक्रिय होने के साथ में जब भी इसे कोई फंक्शनल ग्रुप मिलता है, क्रियात्मक समूह मिलता है, उसके साथ में आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए के कंपैरेटिवली इसका जो स्थायित्व है वो कम है, डीएनए का स्थायित्व किससे है ज्यादा, आरएनए से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय है व संरचनात्मक दृष्टि से ज्यादा स्थायी। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना गया। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा दीजिए। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उसमें अधिक स्थायित्व मिलता है, ये मैंने आपको बताया था, अभी डिफरेंस इन्होंने पूछा था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा है तो हम डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा, और आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो केवल इतना सा अपने को ध्यान में रखना, कुछ एक रीजन है कि थाइमिन जो होता है वो भी स्थायित्व प्रदान करता है डीएनए में, ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में नहीं बता रखा है। दोनों आरएनए में डीएनए उत्परिवर्तन हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, उत्परिवर्तन या जिसे अपन बोलते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज, अचानक होने वाले परिवर्तन, धीमे परिवर्तन जो आरएनए और डीएनए दोनों में हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए क्या है, ए स्थायी, अभी ऊपर ही अपन ने देखा था, ठीक है, आरएनए क्या है, ए स्थायी, डीएनए के कंपैरेटिवली कम स्थायी, वह तीव्र गति से उत्परिवर्तन हो जाता है। तो ए स्थायी तो क्या हुआ, वो तीव्र गति से उत्परिवर्तन उसमें होगा, परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। तो वायरस में अचानक परिवर्तन होता है, और अभी कोविड में अपन देख भी रहे, कोविड-19 जो वायरस आया था उसमें क्या बोलते हैं अपन की अलग अलग प्रकार के वेरिएंट मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो
उत्परिवर्तन ही उसमें हो रहा है, कुछ समय में फटाफट से चेंज कर रहा अपना रूप, वो यहां से बदल रहा है। उसकी जीवन अवधि छोटी हुई तेजी से उत्परिवर्तन से विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, ये अपन ने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अभी और आगे वाले लेसन में डिटेल से अपन देखेंगे, आरएनए से ही बनता है प्रोटीन, कूट लेखन करते हैं, इसीलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर करता है, प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है। फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल से अभी अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। दोनों करेंगे अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, कुछ वायरस में होता है, कुछ उच्च जीव में होता है, लेकिन जो ज्यादा स्थायी है, अगर स्थायी तो पूछा जाए तो डीएनए ज्यादा स्थायी है। अगर रिएक्टिविटी की बात हो रही है, जो ज्यादा सक्रिय होता है, तो वो आरएनए होता है, क्योंकि स्थायी कम होता है। डीएनए के अधिक स्थायी होने की वजह से वह अनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है, ठीक है, फटाफट से स्थानांतरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर शेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिविजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, काफी हेल्प यहाँ से आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।